फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वर्मा ट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे घरों में हम इलेक्ट्रिक वर्क कराते हैं उसका इलेक्ट्रिशियन कितना चार्ज पे करता है। तो जिसमें हम बात करेंगे जैसे लाइट पॉइंट, वॉल कटिंग, पेन चार्ज, प्लग या सॉकेट, एमसीवी सेट, एसी चार्ज, इन्वर्टर चार्ज, गेट लाइट, टीवी, डिक्स लगाने का कितना चार्ज पे करेगा। तो इस वीडियो में हम एक एक चीज़ों को बताएंगे और उसकी रेट क्या चल रही है वो भी बताएंगे। ये दोस्तों सभी एरिया में रेट में डिफरेंस चल सकता है, मैं मेरे एरिया में कितनी है वो बताऊंगा। यदि आपके एरिया में जो रेट चल रही है वो आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो नंबर एक पे आता है हमारा लाइट पॉइंट। देखिए दोस्तों, लाइट पॉइंट का चार्ज है हमारा 100 से 110 रुपये, जिसमें हमें स्विच से लेके लाइट पॉइंट तक वायरिंग ले जानी होती है, जिसमें स्विच वायर और जैसे कि होल्डर या सीलिंग रोज, ये इन सभी को लगा के हमें 100 से 110 रुपये चार्ज पे करना होता है। नंबर दो पे आता है हमारा फैन लगाने का चार्ज, यानी कि फैन चार्ज वो होता है दोस्तों 190 से 260 रुपये, जिसमें हमें स्विच, रेगुलेटर, वायर और फैन पॉइंट, यानी कि जैसे किसी में ओपन लाइट फिटिंग हो रही है, ऊपर छत पे पाइप नहीं डला हुआ है, तो वहाँ पे हमें पटरी ठोक के सीलिंग रोज वगैरह लगाना है और हमें कस्टमर से 190 से लेके 260 रुपये फैन लगाने का चार्ज पे करना होता है। वॉल कटिंग, देखिए दोस्तों, वॉल कटिंग यानी कि जीरी बक्सा होता है, जिसमें हमें दीवार की कटिंग करके 20 से 25 mm का कंड्यून पाइप, वो मेटल बॉक्स सहित हमें दीवार में फिट करना होता है। उसका रेट है 10 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। नंबर चार पे आता है हमारा प्लग या सॉकेट लगाने का चार्ज। तो देखिए दोस्तों, 150 से 250 रुपये सॉकेट या प्लग लगाने का चार्ज लिया जाता है, जिसमें हमें वायरिंग और सॉकेट लगाना होता है, जैसे कि गीजर पॉइंट, इंडक्शन पॉइंट और मिक्सर पॉइंट इत्यादि, इंडक्शन इत्यादि आ जाता है। तो उसका हमें 150 से 250 रुपये चार्ज पे करना होगा। इसका चार्ज इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो सॉकेट होता है उसके दो पॉइंट जोड़े जाते हैं। नंबर पाँच पे आता है हमारा MCV। तो MCV लगाने का हमारा 100 रुपये पर MCV चार्ज है। देखिए दोस्तों, जो हमारी सिंगल पोल की MCV होती है उसे लगाने का हम 100 रुपये चार्ज करते हैं, जिसमें हमें सिंगल पोल की MCV लगानी होती है। यदि डबल पोल की MCV लगाने का चार्ज 200 रुपये है। जैसे कि हमारा 4-way का बॉक्स है, तो उसमें 2 MCV और एक आइसोलेटर लगा हुआ होता है, तो आइसोलेटर का चार्ज अपना 200 रहेगा और MCVों का 100-100 रुपये रहेगा, यानी कि 400 से 500 रुपये तक हमें चार्ज लेना है या देना है। AC, देखिए दोस्तों, हमारे AC लगाने का हमारे एरिया में 1000 से 1500 रुपये तक रेट चल रहा है, जिसमें हमें वायरिंग और उसका पॉइंट लगाना होता है। इन्वर्टर चार्ज, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें हमारे घर में वायरिंग कंप्लीट हो रही है और हमें बैटरी और इन्वर्टर को कनेक्ट करना है आपस में, तो उसका चार्ज हमें 250 रुपये लेना होगा या देना होगा। और यदि हमारे घर में वायरिंग नहीं हो रही है, इन्वर्टर की वायरिंग नहीं डली हुई है, तो हमें एक वायर जिस बोर्ड में ले जाना है या जिसको इन्वर्टर से करना है, उसमें एक वायर ले जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो उसका चार्ज है 100 रुपये पर पॉइंट। यानी कि जैसे कि एक कमरे में एक बल्ब
या दो बल्ब इन्वर्टर से करवाने हैं तो उसको एक बल्ब का चार्ज हो गया दोस्तों हमारा, यानी कि एक पॉइंट का चार्ज हो गया हमारा 100 रुपये। गेट लाइट देखिए दोस्तों, घर के बाहर बने दरवाजे के पास में गेट लाइट लगाई जाती है, उसका चार्ज है हमारा 300 से 350 रुपये, हमें इलेक्ट्रिशियन को देना होगा। टीवी देखिए दोस्तों, ओनली दीवार पे या किसी फर्नीचर पे टीवी लगाने के लिए हमें 150 रुपये से 180 रुपये चार्ज पे करना होगा। डिक्स यदि हम डिक्स लगवाएंगे तो हमें 200 से 250 रुपये चार्ज करना होगा। तो आई होप ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।